वेलकम टू यू ऑल एट माई YouTube चैनल स्टडी टाइम विद एस के. हेलो, दिस इज़ सोनाली कुमारी और आज हम कवर करने वाले हैं CHE5 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ई एंड जी आइसोमर. ये आपके हर एग्जाम में पूछा जाता है और तीसरे या फिर चौथे नंबर पे ही ये क्वेश्चन आ जाता है आपके क्वेश्चन पेपर में, जहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन दिए होते हैं और आपको एक को उसमें से ऑप्ट करके जो भी आपको बहुत अच्छे से आता हो उसका आपको आंसर देना है. एज आंसर में उसको आपको ये प्रेडिक्ट करना है कि ये आइसोमर जो आपको दे रखा है वो ई आइसोमर है या जी आइसोमर है. इससे पहले बात कर लेते हैं हम सिस आइसोमर और ट्रांस आइसोमर की, क्योंकि इससे हम बहुत ही अच्छे से वाकिफ है. अपने लोअर क्लासेस में हमने इसको अच्छे से पढ़ा हुआ है. सिस का मतलब होता है ऑन द सेम साइड और ट्रांस का मतलब होता है अक्रॉस, जैसा हमने पहले पढ़ रखा है. तो सिस और ट्रांस के जो आइसोमर्स थे इनमें प्रॉब्लम ये है कि ये सेम ग्रुप के दो सब्सिट्यूट्स होते हैं. सेम ग्रुप इट मीन्स कि जैसे कि आप CH3 को देखिए यहाँ पर, और यहाँ पर भी CH3 है, ये सेम ग्रुप के दो सब्सिट्यूएंट्स हैं. उसी तरीके से ये हाइड्रोजन यहाँ पर दोनों, ये दोनों भी सेम सब्सिट्यूएंट्स हैं और एक ही ग्रुप से आते हैं. और यहाँ पर हमने इसको डायगोनली हॉरिजॉन्टली बाइसेक्ट किया और आप यहाँ से देखिए ये डबल बॉन्डेड कार्बन एटम उसके ऊपर के साइड पर सेम ग्रुप के सब्सिट्यूएंट्स और उसके लोअर साइड पे भी सेम ग्रुप के सब्सिट्यूएंट्स. यानी कि सिस का मतलब सेम होता है तो सिस टू ब्यूटीन हो गया ये. ट्रांस का मतलब एक्रॉस है. चलिए डिवाइड कर देते हैं, ये देखिए आप एक्रॉस हो गया तो ये होता है ट्रांस का. ठीक है, आप यहाँ तक समझ चुके हो. तो अब बात कर लेते हैं ई एंड जी आइसोमर की फिर ज़रूरत क्यों पड़ी. ये दोनों तो बहुत ही अच्छे हैं, हम इन्हें अच्छे से जानते भी हैं. तो आप एक चीज़ देखिए, आप ये वाला एग्जाम्पल देखिए जो मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रही हूँ. यहाँ पर ये है ए बी एक्स और वाई. ये चारों जो हैं वो चार डिफरेंट ग्रुप के सब्सिट्यूएंट्स हैं जो कि दोनों कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन एटम से अटैच्ड हैं. अब आपको बताना है कि ये सिस है या ट्रांस है. अब आप यहाँ से ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकते. बस इसी चीज़ को जस्टिफाई करने के लिए और इसको बहुत ही बेहतर तरीके से बताने के लिए एक सीक्वेंस रूल डेवलप किया क्लैन इनगोल्ड और प्रीलॉग नाम के साइंटिस्ट ने. इन्हीं दोनों के जो ये सीक्वेंस होगी, जो सिस्टम होगा, इस चीज़ को हम इसमें पढ़ेंगे. अब आगे आ जाते हैं और ई और जी आइसोमर क्या होता है एक बार उन्हें देख लेते हैं. तो सबसे पहले ई की बात करेंगे. ई मतलब होता है इंटीजन, और इंटीजन एक ग्रीक वर्ड है और इसका मीनिंग है ऑपोजिट, यानी कि दो अलग अलग विपरीत. और जी का मतलब होता है ज्यूजामिन, और ज्यूजामिन का मतलब होता है टुगेदर हिंदी हमारे इंग्लिश में. तो टुगेदर का इट मीन्स कि साथ में. अब यहाँ पर आ जाइए आप इस वाले फिगर में जो हमारे पास ई आइसोमर आपको यहाँ पर शो हो रहा है. यहाँ पर क्या है ये देखिए, इसको पहले डायगोनली बाई हॉरिजॉन्टली बाइसेक्ट कीजिए. ई का मतलब हुआ ऑपोजिट, यानी कि ये हायर प्रायोरिटी और ये लोअर प्रायोरिटी, ऑपोजिट हो गए ना दोनों. और जी का मतलब है टुगेदर, देखिए ऊपर में दोनों तरफ हायर प्रायोरिटी वाले. एल पी का मतलब है लोअर प्रायोरिटी और एच पी का मतलब है हायर प्रायोरिटी. यहाँ से आप इस चीज़ को समझ चुके हो. अगर आपको सिर्फ प्रिडिक्ट करना है कि ई है या जी है तो आपको हॉरिजॉन्टली बाइसेक्ट करना है. लेकिन अगर आपको देखना है कि कौन सा इन दोनों में से हायर प्रायोरिटी का है, कौन सा लोअर प्रायोरिटी का है, तो आपको उन्हें फिर वर्टिकली बाइसेक्ट करना है. ये आप रफ करके देखेंगे, अपने दिमाग में इमेजिन कर लेंगे तो भी ज़्यादा बेटर रहेगा. ठीक है, तो अब ये हायर और लोअर प्रायोरिटी तो आपने सुन लिया, लेकिन अब इसको हम किस तरीके से जस्टिफाई करेंगे कि कौन सा सब्सिट्यूएंट है जो लोअर का होगा और कौन सा होगा जो हायर का होगा. उसके लिए है हमारे पास चार रूल. सबसे पहला रूल है एटम्स ऑफ हायर एटॉमिक नंबर हैव हायर प्रायोरिटी. जिन भी एटम्स की हायर एटॉमिक नंबर होगी, सपोज़ कि आपके पास यहाँ पर दिया हुआ है एक ऑक्सीजन और दूसरा है कार्बन, तो आप जानते हैं कि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8 और कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6. तो यहाँ पर जो हायर प्रायोरिटी दी जाएगी वो ऑक्सीजन को दी जाएगी. आगे बढ़ जाए तो सेकेंड रूल कहता है द आइसोटोप ऑफ हायर एटॉमिक मास हैज़ हायर प्रायोरिटी. यहाँ पर आइसोटोप की बात हो रही है कि जिन आइसोटोप के पास भी एटॉमिक मास ज़्यादा होगा उनको हायर प्रायोरिटी दी जाएगी, जैसा हमने पहले वाले में बात की थी. थर्ड नंबर में कहता है कि ट्रिपल बॉन्ड को हायर प्रायोरिटी दी जाएगी एज़ कम्पेयर टू डबल बॉन्ड. और वहीं पर जो सिंगल अगर बॉन्ड की बात कर लें आप, तो सिंगल बॉन्ड की प्रायोरिटी सबसे थर्ड नंबर पर चली जाती है.
जो फोर्थ पॉइंट है यहाँ पर आपको अब कंपेयर करके दिखाने के लिए कहा गया है। ये देखिए सेम ग्रुप ही लग रहा है देखने में, दोनों में दो दो, एक में दो कार्बन है, यहाँ पर देखिए दो कार्बन है, यहाँ पर है तीन कार्बन। यहाँ पर हाइड्रोजन की वेल जो नंबर्स हैं वो है 5, लेकिन यहाँ पर कितना है, यहाँ पर हो गया ये 3 to 5 एंड दिस 7, यहाँ पर हो गया ये 7। तो किसको आप हायर प्रायोरिटी देंगे, तो आप हायर प्रायोरिटी देंगे नीचे वाले को, इसको C2, CH2, CH2, CH3। तो यहाँ तक तो आप समझ गए कि चलो ये तो ठीक है, लेकिन अगर Cl आ गया, Br आ गया, तो वहाँ पर आप क्या करेंगे। तो वहाँ के लिए भी हमारे पास सिस्टम है, एक सीक्वेंस है ये, जिसे कहा जाता है कहन इनगोल्ड प्रीलॉग सिस्टम, ठीक है ना। तो यहाँ पर प्रायोरिटी सेट करके दे रखी है, आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ आपको थोड़ा सा लर्न कर लेना है। और अभी जो एग्ज़ाम का टाइम आ गया है तो क्या क्या लर्न करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो आपको ये वाली सीरीज़ याद रखनी है, आपको याद रखना है इन दोनों की पोजीशन, और कुछ यहाँ से यहाँ तक की ये बातें बस। हो सकता है इसके बाहर थोड़ा सा कभी पूछ लिया जाए, तो ये मत कहना कि मैम ने नहीं बताया था, ठीक है ना। आप देखिए यहाँ पर ये है आयोडीन, फिर ब्रोमीन, क्लोरीन, फिर SH, और फिर यहाँ पे फ्लोरीन। आप इन चीज़ों को ध्यान रखेंगे कि कौन सी किस सीरीज़ में आ रही है, तभी आप क्वेश्चंस को अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो इसे आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका, और लर्न भी कर सकते हैं इफ़ यू वांट। आगे बढ़ जाते हैं, और हम अब क्वेश्चंस पे पहुँच चुके हैं कि क्वेश्चंस किस टाइप के आएंगे। तो जो सबसे पहला है आपके पास, यहाँ पर आप देखिए मैंने आपको बताया है कि प्रायोरिटी सेट करने के लिए वर्टिकली, और ये देखने के लिए टुगेदर के लिए आप करेंगे हॉरिजॉन्टली। सबसे पहले हम प्रायोरिटी सेट कर रहे हैं यहाँ पर, तो प्रायोरिटी सेट करने के लिए ये देखिए मैंने इसको वर्टिकली डिवाइड किया, ऊपर है Br, नीचे है Cl। अभी आप देख के आए हैं कि Br जो है वो Cl से पहले आ जाता है, तो ये हो गया यहाँ पर हायर प्रायोरिटी का, ये हो गया लोअर प्रायोरिटी का। यहाँ पर आ जाएं आप इस तरफ, तो यहाँ पर OH है और यहाँ पर CH है, ये हो गया दोबारा से हायर प्रायोरिटी और ये हो गया लोअर प्रायोरिटी। अब ऊपर के साइड देखिए आप, जब आप ऊपर की साइड देखते हैं तो आपको मिलता है कि दोनों हायर प्रायोरिटी वाले टुगेदर हैं और दोनों लोअर प्रायोरिटी वाले भी टुगेदर हैं। तो ये वाला जो आइसोमर, ये वाली जो आपको डबल बॉन्डेड कार्बन एटम के साथ में चारों सब्सिट्यूएंट्स दिख रहे थे, इसके बेसिस पे आप बता सकते हैं कि ये वाला जो आइसोमर है आपके सामने, ये है जी आइसोमर, ठीक है ना। ये हो गया आपके सामने यहाँ पर जी आइसोमर, आप इसको नोट कर लेंगे। और वैसे दो ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। यहाँ पर है आपके पास CH3 CH2 और यहाँ पर है H, वर्टिकली डिवाइड कर देते हैं एक बार। ये हो गया हायर प्रायोरिटी, ये हो गया लोअर प्रायोरिटी। यहाँ पर आप देखिए डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड की बात हम पीछे कर रहे थे कि जब ट्रिपल बॉन्ड होता है और डबल बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है, उसी तरीके से जब डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड की बात आती है तो हम डबल बॉन्ड को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। तो जो ये वाला है इसको हम ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे, तो ये भी हो गया हायर प्रायोरिटी। और ऊपर दोनों के दोनों हायर प्रायोरिटी वाले और नीचे दोनों के दोनों लोअर प्रायोरिटी वाले हैं, इसीलिए ये वाला जो आइसोमर आपको दिख रहा है ये भी हो गया ऊपर वाले की तरह जी आइसोमर। यहाँ पर आ जाइए अब फिर से सेम रूल, और बहुत ही इजीली आपको दिख रहा है कि अब किस तरीके से इस पूरे को परफॉर्म करना है। यहाँ पर ऊपर Br है और यहाँ पर H है, ये हो गया हायर प्रायोरिटी, ये हो गया लोअर प्रायोरिटी। यहाँ पर आ जाए तो यहाँ पर Cl है और यहाँ पर CH3, हायर प्रायोरिटी एंड लोअर प्रायोरिटी। आगे बढ़ जाएँ इस तरफ, और ये क्या हो गया आप बताएं। अब ये पूरा का पूरा जो आइसोमर आपको दिख रहा है ये कौन सा आइसोमर होगा, देखिए दोनों टुगेदर हैं, तो ये भी हो गया जी आइसोमर। तीसरे वाले पे आ जाए, डी वाला, फोर्थ वन, दोबारा से इस तरीके से आप डिवाइड कर लेंगे। हायर और लोअर आपको दिखाई दे रहा है, ये हो गया लोअर, ये हो गया हायर। यहाँ पर बात करें Br और I की, तो अभी तो आपने कहा कि फर्स्ट वाले में Br की हायर प्रायोरिटी है, अब यहाँ पर Br को क्या किया जाए, तो Br की प्रायोरिटी यहाँ पर लोअर हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हम इसका कंपैरिजन आयोडीन के साथ कर रहे हैं,
और अगर आपने उस सीरीज़ को कहीं नोट डाउन किया हो तो आप वहाँ पर देखिए कि आई जो है उसकी सबसे ज़्यादा हायर प्रायोरिटी है, वो सबसे ज़्यादा हायर प्रायोरिटी में माना जाता है। तो ये हो गया यहाँ पर हायर प्रायोरिटी एज कम्पेयर टू ब्रोमीन। अब यहाँ पर आपको ई आइसोमर दिखाई दे रहा है, क्यों? क्योंकि ऊपर देखिए टुगेदर नहीं है, ये हायर प्रायोरिटी वाला है यहाँ पर, और यहाँ पर है लोअर प्रायोरिटी वाला। जब टुगेदर नहीं है, ऑपोजिट है, तो ये हो जाता है आपका ई आइसोमर। ठीक है, आप ये समझ गए। आगे हम बढ़ेंगे इसी तरीके के क्वेश्चंस के साथ। आपके पास चार एग्जांपल्स और आपकी स्क्रीन पे, फिर से सेम रूल, डिवाइड करते जाइए और सॉल्व करते जाइए। ये है आपका हायर प्रायोरिटी, ये लोअर प्रायोरिटी। अब यहाँ पर आपको कंपैरिजन करना है, ये देखिए यहाँ पर ये Cl हो गया और ये है CH2OH। यहाँ पर जब आप सेट करेंगे तो ये आपका हायर आया था, यहाँ पर क्या आएगा, ये आपका आ जाएगा हायर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अल्कोहल ऐड है, लेकिन अल्कोहल से पहले क्या आता है, अल्कोहल से भी पहले आता है क्लोरीन। तो यहाँ पर आप लोअर करेंगे इसको और इसको करेंगे हायर, ये भी लोअर है। अब देखिए टुगेदर देखिए तो हायर प्रायोरिटी वाले एक साथ आ गए और लोअर प्रायोरिटी वाले एक साथ आ गए, तो इसके कारण ये भी हो गया जी आइसोमर। ठीक है, यहाँ पर आ जाएं, सेम रूल, डिवाइड, हायर, लोअर। फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बेंजीन है और यहाँ पर हाइड्रोजन है, बेंजीन को हायर प्रायोरिटी दी जाएगी और हाइड्रोजन को लोअर प्रायोरिटी दी जाएगी। तो यहाँ से अब आप ये चीज़ को देखिए, यहाँ पर और यहाँ पर दोनों ही बिल्कुल ऑपोजिट हैं एक दूसरे के, तो ये भी हो गया आपका यहाँ पर ई आइसोमर। और जो ये जी जी वाला और एच वाला एग्जाम्पल है, इसे आप खुद अटेम्प्ट करेंगे और आप मुझे कमेंट करके बता भी सकते हैं कि आपका जी का क्या आंसर आया है और एच का क्या आंसर आया है। तो ये जो आज का वीडियो है, यहाँ पर आपने जाना कि किस तरीके से हम किसी भी आइसोमर को ई और जी वैल्यू प्रिडिक्ट करते हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप बहुत ही अच्छे से कवर करके अपने एग्ज़ाम को देने जाएं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने जो फीडबैक हैं वो भी आप हमारे साथ कमेंट के थ्रू शेयर कर सकते हैं। एक और चीज़ की, अगर किसी भी स्टूडेंट के पास BSHF 101 का इस बार का क्वेश्चन पेपर अवेलेबल है तो वो उसकी PDF की लिंक मुझे सेंड कर सकते हैं कमेंट के थ्रू। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हिट करें बेल का आइकन ताकि आपको हमारे चैनल के रिगार्डिंग सारे नोटिफिकेशन ऑन टाइम मिलते रहें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।